ये देखिए आप, गुलाब है और 50 ये फूल है इस पर। ये देखिए, ये देखो आप, ये देखिए गुलाब, आप छोटा सा गुलाब है और इस पर देखिए कितने फूल आ रहे हैं। और ये देखो, ये देखिए, मैं मंदिर पर आई हुई हूँ और उसमें वहाँ पर ये देखिए आप, गुलाब का ही पौधा कहें या पेड़ कहें, ये देखिए आप, और 50 यूँ फूल, और छोटे मोटे नहीं, फूल काफ़ी बड़े साइज में है। और ये देखिए आप, सोचा आप लोगों को भी इसका टू दिखाती हूँ मैं। देखिए जगह जगह बाबा ने यहाँ पर कटिंग बो रखी है गुलाब की ही। ये देखिए काफ़ी गुलाब है यहाँ पर। यहाँ पर सूरजमुखी का भी प्लांट है, ये देखिए। ये देखो आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए कितना प्यारा फूल है। और अधिकतर मैं यहाँ पर आसपास जितने देखूँ, कम से कम 50 ही पौधे गुलाब के हैं इस मंदिर में। सब लोग यहाँ से फूल लेकर काफ़ी चढ़ाते हैं और काफ़ी है। आपको मैं यहाँ के पुजारी जो बाबा हैं उनसे आपकी बात कराती हूँ। देखिए वो क्या देते हैं अपने प्लांट को, ये देखो, ये भी एक रामदास जी है। देखो देखो देखो, हाँ बाबा आप बताइए, आप अपने प्लांट में क्या देते हैं गुलाब? जो पौधा आपका इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, पौधा क्या क्या कहूँ, आपका पेड़ ही है वो, और इतने फूल आ रहे हैं, उसमें क्या खाद और कुछ बताएंगे आप हमें? फायदा फायदा तो ये, हम तो पूजा उजा की भैया काम ले लें और सब चल थोड़े, और तो कोई फायदा ना आए। तो आप क्या देते हैं इन पौधों को? जो हम तो देसी खाद डाल देते हैं गेहूँ को। अच्छा, और जो कीड़े लग जाते हैं पौधों में, उसमें कुछ ना नहीं लगते हैं आपके? बस एक गोबर की खाद देते हैं और कुछ भी नहीं करते बस, हैं आप? अच्छा, वो आपके अभी इस टाइम सूरजमुखी के भी प्लांट हो रहे हैं, पहले तो बहुत थे। हाँ, ये अब काम हो गए, अब होंगे फिर दोबारा। हाँ, बीज काफी गिर जाते हैं। चलो ठीक है, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।